बे यार तेरे को एक बार समझ में नहीं आती, कितनी बार बताऊंगा तेरे को। अच्छा ठीक है, मेरा एक दोस्त है उसे भी ये सब से सिखा दो। ठीक है बुला लो उसे। हेलो हेलो। हाँ भाई किधर है? क्या हुआ? ऐसा है जल्दी ऑफिस आ जा। बात क्या है? आ तो सही तभी बताता हूँ मैं तेरे को। अबे आधा घंटा हो गया तेरा दोस्त नहीं आया अभी तक। आ रहा हूँ अभी। राज राज भैया क्या हो रहा है? कैसे याद किया भाई? अबे ये है तेरा दोस्त क्यों भाई? ठीक है तरीका है। और ये बताओ तुम इतनी लेट कैसे हो गए? पंक्चुअलिटी नाम की कोई चीज नहीं है क्या? अरे वो बोर्ड लग रहे थे ना सड़क पे इसलिए। बोर्ड? कैसे बोर्ड? अरे जिन पे लिखा था आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलें। पहले ये तो बता तेरी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? बस चलते चलते ना बहुत दूर निकल गए। ये अपने आप को ज्यादा नहीं था समझ रहा है, इसको अभी मजा चखाता हूँ। क्यों भाई अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहे हो? अरे आप तो बुरा मान रहे सर। चल एक काम कर मेरे प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है। चल एक ऐसी जगह का नाम बता जहाँ पे बहुत सारे लोग हो लेकिन फिर भी तुम अकेला फील करो। सर एक जगह है आपका परीक्षा केंद्र जहाँ लोग तो बहुत सारे होते हैं पर हम अकेले महसूस करते हैं। अरे ये कोई मास्टर वास्टर नहीं है, दोस्त है ये मेरा, सॉफ्टवेयर सिखाने आया है ये। अरे क्या तुम दोनों मेरे से मजे ले रहे हो इतनी देर से? पर तुम दोनों को बता देता हूँ एक बात, हर प्रश्न का उत्तर है मेरे पास तो मजे नहीं लेने का। अच्छा सारे प्रश्नों के उत्तर आते हैं। तो पूछो प्रश्न। ओके तो बताओ श्रेष्ठ कौन, पत्नी या बहन? पत्नी की बहन। अच्छा लड़की को प्रपोज करने के लिए कोई सेफ जगह बताओ। मंदिर में कर। मंदिर में क्यों? क्योंकि ना मंदिर में लड़कियां चप्पल नहीं पहनती। फालतू की बात हो गई, अब कोई काम की बात कर लो। अरे यार काम से याद आया, कल मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, एक मीटिंग थी, सारी सीटें घिरी हुई थी और सारी सीटों पे कपल्स बैठे हुए थे, साली बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। बढ़िया है। फिर जाके मेरे को आईडिया आया और मैं अपने जेब से मोबाइल निकाला और कान पे रखा और जोर से चिल्लाने लगा, अबे तेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बैठी है यार रेस्टोरेंट में और तू वहां पे बैठा हुआ है, जल्दी आ। 8-10 लड़कियां तो यूं ही गायब हो गई। चलो तो कुछ और प्रश्न पूछूं? अरे नहीं यार तुम बुरा मान जाओगे। तो काम करना अब के बार तुम भी प्रश्न पूछना और जो प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाया वो 50 रुपए देगा। नहीं करना। क्या हुआ फट गई? ना यार जान दो। चलो ठीक है तुम हारे तो 50 देना, मैं हारा तो 500 दूंगा। हाँ कर दो वरा भाई। अच्छा चल तू हारा तो 50 और मैं हारा तो 5000, बता
मंजूर है? अब तो इज्जत पे बनाइए। तो ठीक है, हमको शर्त मंजूर है। तो बताओ, धरती से चांद की दूरी कितनी है? चांद की दूरी? मिस्टर परफेक्ट। अब मेरी बारी। अब तुम ये बताओ, वो कौन है? तब वो पहाड़ पे चढ़ता है तो उसकी तीन टांगे होती हैं, और नीचे उतरता है तो उसकी चार टांगे होती हैं। तीन टांगों से चढ़ती है, चार से उतरती है। क्या है, क्या है? हाँ जी, क्या हुआ? भाई नहीं पता। अब जेब ढीली करो। भाई मेरे को तो बता दे, कैसी कौन सी चीज है, चढ़ती तीन टांग से है, उतरती चार से है? ऐसी चीज मुझे भी नहीं पता।